दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रिकल मोटर कैसे यूज करते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं अपनी सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। दोस्तों मॉडर्न कंपनी का ये मैंने मोटर लिया है, RPM 2800 का है और इसकी स्पीड ही बहुत अच्छे से है। जैसे कि ये बड़ा मोटर है, आप चाहें तो मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं, इससे छोटा बड़ा सभी साइज़ के मिलते हैं, आप कोई भी साइज़ का इसमें ले सकते हैं जो कि अलग अलग स्पीड में आते हैं। ये पैडल है जो कि मोटर के साथ ही आता है। ये बेल्ट है जो कि मोटर के साथ ही आएगी और बाद में आपको इसको मशीन में अटैच करना है। इसमें दो वायर हैं, जैसे कि एक मोटर में अटैच है और ये पावर सप्लाई के लिए दिया है, तो हम इसको पावर सप्लाई के लिए अटैच करेंगे पावर पॉइंट में, तो वहाँ से पावर सप्लाई होगी और फिर हम इसको जितना आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो इस तरह से, अगर कम करना है तो आप धीरे से दबाएंगे, अगर आपको स्पीड फुल करनी है तो इसको आप फुल दबा सकते हैं, मीडियम रखना है तो आप धीरे धीरे इसको इस तरह से दबाएंगे। मैं आपको अभी इसको चला के दिखाती हूँ। जैसे इसको मैंने प्लग पावर सप्लाई के लिए लगा दिया है, अभी आपको फर्स्ट टाइम आप अगर यूज कर रहे हैं तो आप इसको हाथ से इस तरह से धीरे धीरे से आप दबाएंगे इसको, तो इस तरह से अगर ज़रा सा भी तेज़ी से आपने दबा दिया तो इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से साउंड आएगा ज़रा। अगर आप धीरे धीरे से चलाएंगे तो ये इस तरह से दबेगा। जब आप इसको रोकना है मशीन को तो आप व्हील पे हाथ रख के इसको रोकेंगे, जैसे मैंने अभी इसको स्टार्ट किया है, अभी रोकना है तो इस व्हील पे हम हाथ रखेंगे और इसको भी पैर हटा देंगे, आप जो पैर से या हाथ से चला रहे हैं उसको हटा देना है। आप इसको पैर से चलाना है तो आप इसको इस तरह से रखें और जो अपना पैर रखेंगे हम तो उसको इस तरह से रखेंगे, तो स्पीड वही रहेगी जो आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। जैसे कम रखना है हमको तो इस तरह से दबाएंगे, जैसे थोड़ा आप ज़्यादा दबा देंगे तो स्पीड उसकी तेज़ हो जाएगी, और स्टॉप करने के लिए आपको ये व्हील पे ही हाथ रखना है। इस पैडल को मैंने, ये मशीन का जो पैडल है इसके ऊपर रख दिया है और इस तरह से रखा है, जो कि मेरा पैर आएगा तो इस तरह से सीधा आएगा, तो आपको अभी पैर से चलाने का तरीका बताते हैं। जैसे कि मैंने इसको इस तरह से सीधा रखा है, आप चाहें तो जैसे आपको जो सहूलियत लगे उसी के हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से रखते हैं तो आपको ये थंब है उसको हम इस तरह से धीरे से इसको दबाएंगे, अगर आप इसको स्पीड में दबाएंगे तो स्टिचिंग भी हो रहा है स्पीड में, तो स्पीड में बताती हूँ इसको। जैसे मैंने इस पैडल को भी सीधा रखा है तो हम इसको अपने पैर को इस तरह से रखेंगे और जो थंब है उसको जरा सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे, ज़्यादा दबाएंगे तो स्पीड ज़्यादा से आएगी। तो पैडल से नीचे रख दिया पैडल को, तो अभी इसको इस तरह से हम सेम थंब से ही यूज करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।